हेलो एवरीवन, आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे एक नया वीडियो में। फ्रेंड्स, आपने कभी सुने हैं कि सिर्फ का भी ट्रैफिक जैम हो जाता है? जिस तरह से रोड में ट्रैफिक जैम होता है, हम लोग परेशान हो जाते हैं, बट वैसा ही सिर्फ में भी ट्रैफिक जैम होता है। आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाएंगे और आप लोग जानते होंगे एवरग्रीन सिर्फ एक टनल में अटका हुआ है। करीब 3 से 4 दिन हो रहा है वो सिर्फ अभी भी वहाँ पर अटका गया। और ये भी आप जान लीजिए, वो सिर्फ टाइटॉनिक से भी बड़ा है और वो एक कंटेनर वेसल है। और मैं इस तरह का वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं फर्स्ट टाइम मेरा जो जॉब एक्सपीरियंस है वो शिपिंग कंपनी का एक्सपीरियंस था, तो उस हिसाब से शिप का थोड़ा सा नॉलेज मेरे पास भी है। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि वो शिप वहाँ पे उस टनल में किस तरह से अटका और किस तरह से उसको निकालने का कोशिश किया जा रहा है और उसके वजह से पूरा कंट्री का इकोनॉमी किस तरह से डाउन हो सकता है, ये भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। चैनल में अगर अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूं जो आपका काम पे आए। आप सोच रहे होंगे कि अभी फ्लाइट सिस्टम हो गया है, ट्रेन सिस्टम हो गए हैं, बाई रोड सिस्टम हो गया, फिर भी जहाज में माल ले जाने का क्या जरूरत है? ये जो टनल है, ये टनल हाथ से काटा गया था एक टाइम में, बहुत पुराने टाइम है। उस टाइम में ये टनल को खोदा गया था और इस टनल में खर्चा हुआ था 100 मिलियन उस टाइम में। अभी आप सोच सकते हैं अभी वो जो अमाउंट कितना अमाउंट होता। अभी हम आपको आप लोगों को जो मैप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये वर्ल्ड मैप है और यहाँ पे जो रेड और येलो और जिस तरह का जो ग्रीन निशान आपको दिख रहा है वो सब सिर्फ है। आप समझ सकते हैं कि कहाँ पर लैंड है और कहाँ पर वाटर लेवल। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा सिर्फ है। तो अभी ये बात आता है, जहाज़ वहाँ पे अटका कैसे? जहाज़ तो सीधा जा रहा था, वो जो टनल है वो टनल भी एकदम सीधा लाइन था, तो बट जहाज़ इस तरह से जाके किस तरह से ऐसे क्रॉस हो गया, वो भी आप लोगों को हम एक ग्राफिक्स में आप लोगों को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाज़ किस तरह से उस टनल में जाके अटका। जहाज़ एक्चुअली सीधा आ रहा था और हवा का थोड़ा प्रेशर था, हवा के प्रेशर के वजह से वो जहाज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसके बाद ऐसे जाके धस गया। तो दोनों साइड, अभी बैक साइड और फ्रंट साइड, दोनों साइड ही अभी मिट्टी में धंसा हुआ है। तो इस तरह से ये जहाज़ इस टनल में अटक गया। तो इसको निकालने का कोशिश कैसे किया जा रहा है? इसका निकालने का जो कोशिश किया जा रहा है, ड्रेजर सिर्फ से इसका अंदर का जहाज़ का नीचे का हिस्सा का मिट्टी को खुदाई किया जा रहा है। फ्रंट वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, दोनों हिस्सा का ही माटी को खुदाई किया जा रहा है। और उसके बाद जब खुदाई करके अंदर में जब पानी आ जाएगा तो ऑटोमेटिक जहाज़ फ्लोट करना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम में सिर्फ फिर से अब अपना मोड़ जहाँ पे सीधा हो सकता है। तो इस तरह से कोशिश किया जा रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस टाइम में फ्लाइट सिस्टम है, आपका बाई रोड सिस्टम है, तो फिर भी शिप में इतना कार्गो क्यों जाता है? शिप में इसलिए इतना कार्गो जाता है, एवरग्रीन शिप जो शिप वहाँ पे अटका है उस शिप में कितना कंटेनर है जानते हैं? अगर उतना कंटेनर अगर आप बाय रोड लेके जाइएगा तो एक कंटेनर में एक कंटेनर ट्रैक आपका रहेगा, एक कंटेनर ट्रैक में 1 कंटेनर रहेगा। तो इसके मतलब अगर उस कंटेनर शिप में अगर 2000 से ज़्यादा अगर कंटेनर हो तो 2000 ट्रक का ज़रूरत है, उसके लिए रोड में ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो शिप यहाँ पे लेके जा रहा था, ये जो टनल है, इसका टनल का जो टोटल लेंथ जो है करीब 193 किलोमीटर टोटल इसका जो लेंथ है। तो फ्रेंड्स, ये जो शिप, अगर आप एक मैप यहाँ पे आपका स्क्रीन में अभी शो हो रहा है, यहाँ पे इंडिया है और यहाँ पे ये जो लाइनिंग है इससे अगर शिप जाता है तो ये वाला पोजीशन में शिप ज़्यादा जल्दी पहुंचता है इस टनल के वजह से। तो अगर ये रास्ता अगर नहीं लेगा शिप, अगर इस रास्ता को लेगा तो अफ्रीका होके जाना पड़ेगा शिप को और वहाँ पे सोमाली का खतरा भी वहाँ पे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए शिप ज़्यादातर शिप ये वाला रास्ता को चुनता है इस पॉइंट से इस पॉइंट जाने के लिए। यहाँ पे जो शिप अटक गया है, इस टनल में जो शिप अटक गया है, दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ ही शिप का जैम लग गया है, शिप का भीड़ लग गया है। तो इसके लिए ये जो कार्गो, ये कार्गो एक जगह से एक जगह जा रहा था, तो उसके लिए जो डिले हो रहा है उसके लिए
वर्ल्ड इकोनॉमी में थोड़ा सा कमजोरी दिख सकते हैं हम लोग। इसी टाइम में ऐसे ही पूरा वर्ल्ड कोरोना के वजह से जूझ रहा है और उसके साथ लॉकडाउन और उसके साथ फिर एक ये वाला हिस्सा। ये तो कंटेनर वेसल हो गया, जितना जो हम लोग जो ऑयल हम लोग या जो पेट्रोल हम लोग डालते हैं फोर व्हीलर या टू व्हीलर में, तो ये सारा ऑयल किस में आता है? ये बाय रोड आता है? बाय रोड नहीं आता है। ये सारा ऑयल जो आता है ऑयल टैंकर में आता है, और जब ये ऑयल टैंकर आता है ये बहुत ज़्यादा ऑयल लेके आ जाता है। तो फ्रेंड्स, गैस जो हम लोग यूज़ करते हैं, गैस भी इसी तरह बाय शिप ही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, इसलिए शिप का इम्पोर्टेंस इस समय के लिए धीरे धीरे बढ़ रहा है। और मेरा जो एक्सपीरियंस, आप लोग जो पुराना व्यूअर है मेरा, आप लोग जानते होंगे कि मेरा जो शिप एक्सपीरियंस वाला वीडियो आपने कुछ देखे होंगे। तो अगर फिर भी आप नहीं देखे हैं शिप एक्सपीरियंस वाला वीडियो, तो अभी आई बटन में आपके सामने शो हो रहा है, उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैं पहले ही बता चुका आप लोगों को कि मैं एक शिपिंग कंपनी से जुड़ा हुआ था, करीब अभी भी वहाँ पे काम कर रहा हूँ। 2011 में मेरा ज्वाइनिंग था वहाँ पे। तो हम लोग क्या करते थे, मेरा कंपनी क्या करता था, फॉरेन शिप को सप्लाई करता था। क्या सप्लाई करता था? टूल्स, इलेक्ट्रिकल प्रोविज़न, इस तरह का चीज़ हम लोग सप्लाई करते थे शिप में। तो इसलिए शिप में मेरा आना जाना रहता था, अभी भी रहा है। कोरोना के वजह से थोड़ा सा काम अभी घट गया है, बट अभी उतना नहीं जा रहा है, बट जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, शिप का एक्सपीरियंस जो मेरा है आप लोगों के साथ मैं शेयर किया हूँ। और ये जो शिप एवरग्रीन, ये शिप जो यहाँ पे अटका हुआ है, इसके लिए बहुत परेशानी हो सकता है हम सभी को, ऑयल का दाम बढ़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर ऑयल का दाम बढ़ता है तो उसी टाइम में वर्ल्ड में सारी चीज़ का दाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक वर्ल्ड जो फाइनेंशियल कंडीशन, उसमें थोड़ा सा गिरावट आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा है जरूर हमको कमेंट करिएगा। चैनल में अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इस तरह का टेक वीडियो डेली आप लोग लाता हूँ जो आपका काम पे आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम आर ट्रेडिंग।